सुनो ना संग मरमर की ये मिनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। देखिए हमें यहाँ क्या देखने को मिला। मैं एक बूट ढूंढ रहा हूँ। तो स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में, और मैं हूँ इस समय लखनऊ में। और आज के इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा अंबेडकर पार्क, और अगर समय रहा तो जनेश्वर पार्क भी देख सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे दोस्त उग्रसेन हैं, और मेरे साथ मेरे सीनियर पीयूष भाई हैं साथ में। इनकी खूबसूरती का आप देख लीजिए। वैसे हम लोग प्यार से इन्हें बुढ़ऊ कहते हैं। तो अच्छा, हम लोगों ने उबर बुला लिया है, उबर ऑटो, और फिर उबर ऑटो आ रहा है, निकलेंगे हम यहाँ से। और समय हो रहा है 4:40, बने रहिए और देखते रहिए। उबर ऑटो आ गया हमारा, चलते हैं। चलो तो हम लोग रोड के उस साइड चलते हैं, और ये लोग पीछे रह गए मेरे से, दोनों फंस गए। तो हम लोग आ गए हैं, और पहले लेंगे टिकट। एग्जैक्टली पता नहीं मुझे कि कितने का टिकट मिलता है, शायद 15 रुपये का पड़ता है एक टिकट, देखता हूँ कितने का है। उग्रसेन टिकट ले रहा है, टिकट का मूल्य 15 रुपया। तो इस समय हम लोग हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं यहाँ 2 बार पहले आ चुका हूँ, सच में बहुत खूबसूरत है। अब मैं एक एक करके थोड़ा सिनेमैटिक शॉट भी लेने की कोशिश करूँगा। वैसे तो आता नहीं है बहुत खास मुझे, लेकिन दिखाऊँगा कितना सुंदर है। और पता है ये वही जगह है, अभी सामने दिखा रहा हूँ कैमरा में, ये वाला वो जगह है जहाँ पर एक फिल्म है जिसका गाना एक शूट किया गया है, हिंदी फिल्म है, सुनो ना संग मरमर। तो ये वो स्पॉट है। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे। तो आज इस पार्क में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन आज जो लोकल गाइड होंगे वो पीयूष भाई होंगे इस पार्क के। और जो जो जगह हैं उसकी विशेषता क्या है, क्या नाम है, वो पीयूष भाई ही बताएंगे। हालांकि हम लोग इस टूर पे 3 लोग आए हुए हैं, लेकिन ये भाई अपने ही वीडियो में व्यस्त है, फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है। हाँ ये कर लो पहले। चल रहे हैं बी आर अम्बेडकर परिवर्तन स्थल पे। हाँ तो हम लोग आ गए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल, उस पर जा रहे हैं। देखिए इसके ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं। वह सही बता रहे हैं कि इस अंबेडकर पार्क में ये जो हाथियों की मूर्ति है उसकी संख्या 1100 के करीब है। टोटल 1100 है ना? हाँ 1100 कुछ कम है, लेकिन हाँ आसपास में 1100 ही है। 1100 के करीब है ये टोटल, छोटे बड़े सब। हम लोग थोड़ा सा चूक गए हैं, हम लोग को थोड़ा सा पहले आना चाहिए था 4 बजे के करीब, तो सूरज की रोशनी रहती तो अच्छा वीडियो भी निकाल पाते। आज आजकल सूरज जल्दी ढल जा रहा है।
लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दिखा सकूँ सूरज की रोशनी रहते हुए। तो इसके अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और देखिए कितना प्यारा बनाया गया है भाई। एक ग्रुप फोटो चल रहा है किसी का। तो इस परिवर्तन स्थल में, सामाजिक स्थल में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, साफ सफाई और रंगाई पुताई। बुद्ध जब वो शिक्षा ले रहे थे तब के समय का ये, जब वो उनको ज्ञान मिल रहा था तब का है ये। पुरुषों की प्रतिमा लगी हुई है तो अभी वो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो उसमें काम चल रहा है तो उसमें नहीं जा सकते हम लोग। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो माननीय कांसीराम और बहन जी की मूर्ति है और बीच में ये अम्बेडकर पार्क का मैप है और ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतिबिंब स्थल। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे और इसमें माननीय कांसीराम और बहन जी जिनको हम मायावती जी कहते हैं उनकी मूर्ति लगी हुई है। हाँ तो लाइट की कमी की वजह से नहीं पता चल पा रहा है कि कौन इंसान कौन। फुले जी महाराज उस जगह पे जाना है। अब हम कहाँ चलेंगे पीयूष भाई? ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ। तो यहाँ से सीढ़ी जाती है और ये जाएगा वहाँ पे टॉप पे, काफी ऊंचा, काफी लोग हैं, हम लोग भी चल देंगे अभी उस पे ही। ओके यहाँ पे इस पे ऊपर चढ़ने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये वाली सीढ़ियाँ और एक ये जो है ये बिल्कुल प्लेन है तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है, आदमी आराम से चढ़ जाएगा और मैं लगभग पहुँच चुका हूँ। तो हम लोग आ गए हैं इस बिल्कुल इसके टॉप पे और चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गया है, मेरे दोस्त वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये है बिल्कुल टॉप और यहाँ से अंबेडकर पार्क कैसे दिख रहा है मैं दिखा रहा हूँ आपको और शहर भी कैसे दिख रहा है वो भी दिखा रहा हूँ। ताकि कैमरा बहुत अच्छा नहीं है तो उतनी अच्छी फ़ोटोज या वीडियोज नहीं मिल पा रहा है हमें और हम लोग यहाँ आने में रात हो गया है वीडियो बनाते बनाते, तो इसका एक एडवांटेज ये भी है कि हम लोग नाइट व्यू दिखा सकते हैं जो कि बहुत सारे ब्लॉग में नहीं दिखाया गया है, दिन दिन का ही सीन दिखाया गया है। तो नाइट में कैसा दिखता है ये पार्क और ये शहर
आप लोग इसमें देखिए, पीयूष के नाम का चर्चा कहाँ इतना है। एक और देखो, पीयूष पीयूष पिंकी, पीयूष पिंकी। यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं अपने अपने प्रेमिकाओं के। एक फेमस नाम है जिसको अग्रसेन बुलाएंगे, कौन सा नाम है जी? प्रेमी जी का नाम है यहाँ सुगु एंड पीयूष। पीयूष भाई बहुत फेमस है यहाँ पे। पता नहीं कौन, सुनैना और अभिषेक, रुखसाना, रुखसाना, जयसु। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब चलते हैं लास्ट, हम लोग नीचे जो स्मारक है उसमें फोटोज वगैरह लेंगे और निकलेंगे, क्योंकि बहुत भयंकर प्यास लगी हुई है। पानी पियेंगे, कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे अपने रूम के लिए। हम लोग अंबेडकर पार्क से निकल गए हैं, अब चल रहे हैं कुछ सामान खरीदेंगे और घर जाएंगे। पहले पानी पियेंगे, उसके बाद से अब आगे निकलेंगे। ला भैया चिप्सा, निकल चुके हैं फन मॉल के लिए। थोड़ा जाते हैं और एसी का हवा खा करके अपने आप को कूल डाउन करेंगे, और अगर कुछ पसंद आया तो एक टी शर्ट भी लेंगे। सॉरी कैमरे में हम लोग दिख नहीं रहे हैं। तो हम लोगों ने ई रिक्शा छोड़ दिया है और रोड के उस साइड में फन मॉल है, तो हम लोग इससे जाएंगे अब उस साइड में। और अंबेडकर पार्क से यहाँ तक आने के लिए 40 रुपये लिए। पहुँच गए हैं फन मॉल, अब हम करेंगे फन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम लोग आ गए हैं सुपर स्टॉप में, घूमते हैं। मैं एक बूट ढूंढ रहा हूँ, अगर बूट मिल जाए तो ले लूँगा। तो मैंने सुपर स्टॉप में भी देखा, उसमें भी नहीं है, और बाटा में भी ट्राई किया, इधर भी नहीं है। मुझे लग रहा है जब दिल्ली जाऊंगा तो ही ले पाऊंगा, या फिर ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। हम लोग जा रहे हैं रेड टेप में, अब एक लास्ट ट्राई मारते हैं वहाँ पे। मुझे तो वहाँ पे बूट नहीं मिलेगा, लेकिन हो सके तो इनके लिए शूज मिल जाए।